Hello students, I welcome you all to this YouTube channel. In this video, we will get an idea of syllabus of Indian polity, which is very important for various exams like NDA, CDS, FCAT, Territorial Army and CAPF. Before we start, this is a brief introduction about me. I am Bhavani Singh, graduated from Delhi University and I have worked for Balno Academy for 4 years. We are also offering some paid courses. अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके इस स्लाइड के थ्रू जा सकते हैं. सो बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी के सिलेबस की, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को एनलिस्ट किया है और ये टॉपिक्स वो हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं. कोई भी ऐसे टॉपिक को हमने इंक्लूड नहीं किया जिससे आपका टाइम वेस्ट हो या फिर जिससे क्वेश्चंस ही कम आए. तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं इन सारे टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या पढ़ना होता है इसमें. तो सबसे पहले आपके सामने है पहला टॉपिक, मेकिंग एंड एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मेकिंग एंड एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिकली आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के प्रोसेस और उसके एनेक्ट होने के, यानी उसके इम्प्लीमेंट होने के प्रोसेस के बारे में जानने को मिलेगा कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, किस तरीके से, किन किन डेट्स को उन्होंने क्या क्या काम करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया. जब मैं बात करता हूँ सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. वैसे तो फीचर्स वो 15 टू 16 है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 8 से 9 फीचर्स को भी कवर करेंगे तो बहुत है. जैसे सेलियंट फीचर्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात कही जाती है कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. साथ ही साथ ये काफ़ी डिटेल्ड है और हैंड रिटन है. वहीं मैं दूसरे फीचर की बात करूँ तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. लाइक 75% जो कॉन्टेंट है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है. वहीं अगर मैं बात करूँ 25% कॉन्टेंट की तो दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो जैसे यूके से कुछ ले लिया हमने, यूएसए से कुछ एलिमेंट्स ले लिए, कैनेडा से कुछ ले लिया, आयरलैंड से कुछ ले लिया. इसी तरह की कुछ 10 कंट्रीज हैं जहाँ से हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को बोरो किया और अपने देश के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनको हमने मॉडिफाई करके एनश्राइन कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. वहीं हमारे पास कुछ और भी फीचर्स है, जैसे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहा जाता है कि ये पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सीबल है. वहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट भी देता है. तो इसी तरह के कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं. वहीं अगर मैं थर्ड टॉपिक की बात करूँ प्रियम्बल की, तो देखिए प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रफली जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, तो आप प्रियम्बल पढ़ सकते हैं. आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है. वहीं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल्स. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी सप्लीमेंट मटेरियल है उसको हमने एनश्राइन कर दिया शेड्यूल्स में. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था पहली बार, तो हमारे पास कुछ 8 शेड्यूल्स थे. पर टाइम के साथ हमने शेड्यूल्स को बढ़ाया है अमेंडमेंट्स करते हुए, तो आज के टाइम में वी हैव 12 शेड्यूल्स जिनको डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने ऐड किया है. वहीं मैं बात करूँ सिटीजनशिप की, तो देखिए सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता. जब देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ और उसके बाद ये डिसाइड किया जाना था कि भाई हमारे देश के नागरिक कौन कौन हैं, तो वो सिटीजनशिप में आपको पढ़ने को मिलेगा. साथ ही साथ सिटीजनशिप भारत में कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे एक्वायर की जा सकती है, और साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से आप इंडियन सिटीजनशिप को रेनाउंस कर सकते हैं, किस तरह से उस सिटीजनशिप का त्याग कर सकते हैं.
उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बेसिक राइट्स जो किसी देश के सिटीजन्स को दिया जाता है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में तो 6 हैं, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो वी यूज्ड टू हैव 7 फंडामेंटल राइट्स। एक राइट टू प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हुआ करता था, पर 44th अमेंडमेंट के थ्रू हमने 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह के हमारे पास आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये मान के चलिए कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर बात करते हैं रिट्स की। तो देखिए, रिट या रिट्स, रिट का मतलब होता है रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है इलाज। तो रिट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया इलाज है। और इलाज किस चीज़ का? जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जब भी आपके कभी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, आप आर्टिकल 32 को यूज करते हुए डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इश्यू करेगा। तो इस तरीके से रिट्स कुछ 5 तरह की हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियररी या फिर प्रोहिबिशन, को वारंटो, इस तरह की रिट्स हैं। अलग अलग टाइम पर उनको इशू किया जाता है, अलग अलग कंडीशंस में इशू किया जाता है, तो वो हम डिटेल में रिट्स में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टेट पॉलिसी बनाते वक्त यूज में लेके आते हैं। तो बेसिकली ये गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को, गवर्नमेंट को एक तरीके से गाइड करते हैं कि भाई आप जब भी पॉलिसी बनाएं देश के हित में, देश के लोगों के हित में, तो इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखें। वही हमारे पास अगला टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली सिटीजन्स की हैं अपने देश के टूवर्ड्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, देश हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देश के टूवर्ड्स फुलफिल करें। तो कुछ 11 ड्यूटीज हैं हमारे पास, 11 ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को हमें फुलफिल करना होता है। ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस पूरे सिलेबस के, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के फंक्शंस, उनके पावर्स। तो बेसिकली प्रेसिडेंट जो हैं हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, हमारी कंट्री के नॉमिनल हेड हैं, अल्टीमेट हेड हैं। तो जब हमें प्रेसिडेंट पढ़ना होता है या प्रेसिडेंट टॉपिक के तौर पर पढ़ना होता है, ऑफिस के तौर पर पढ़ना होता है, तो हमें प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट की ओथ, उनके अमॉल्यूमेंट्स, उसके अलावा उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। साथ ही साथ हमें प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको भी अच्छे से पढ़ना होता है। और प्राइम मिनिस्टर आप सभी जानते हैं कि ये हमारे एक्चुअल या रियल हेड होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी ये हेड होते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में हमें बेसिकली प्रेसिडेंट एज एन ऑफिस, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को पढ़ना होता है, और इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट बोलते हैं। और इस पार्लियामेंट के टॉपिक में अगर हम बात करें तो हमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच के डिफरेंसेस, उसके अलावा हमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों ही हाउसेस के, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको देखना होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ 4 तरह के बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल, इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी जुटानी होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, उसके अलावा आप यहाँ पे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्वेश्चन आर, जीरो आर, मोशंस, उन सबको भी पार्लियामेंट में ही पढ़ते हैं। तो जैसे अगला टॉपिक है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसमें बेसिकली आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंपोजिशन को देखना होता है,
किस तरह से हमारे जो चीफ जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हों, चाहे हाई कोर्ट्स के जजेस हों, चीफ जजेस हों इनफैक्ट, तो उनको हमें देखना होता है किस तरह से वो अपॉइंट किए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी पावर्स, उनके अलावा जो उनका रिमूवल है किस तरीके से किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, किस मेजॉरिटी के साथ किया जाता है, वो सब देखनी होती है। वहीं जैसे प्रेसिडेंट हमने देखा, उसी के इक्विवेलेंट स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं, तो गवर्नर के फंक्शंस और पावर्स कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। और आप जैसे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, सिमिलरली गवर्नर पढ़ना होता है, तो याद करना थोड़ा सा ईजी होता है, आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की। वहीं हमारे पास अगला टॉपिक है इमरजेंसी एंड इट्स टाइप्स। तो देखिए, इमरजेंसी में तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352, हमारे यहाँ 356 के तहत एक स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल आप कह सकते हैं वो है। उसके अलावा आर्टिकल 360 के तहत हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये तीनों टाइप की इमरजेंसीज, इनके प्रोविजंस किस तरह से इनको इन्फोर्स किया जाता है, किस तरह से जब इनको इन्फोर्स किया जाता है तो हमारी पार्लियामेंट या बाकी चीज़ें काम करती हैं, और किस तरह से इमरजेंसी को ख़त्म किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे कि इस टॉपिक से, जैसे हम पंचायती राज कहते हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ कह रहे हैं, पंचायती राज बेसिकली रूरल एरियाज़ में होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन रीजन्स में होती है। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ से कई सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे, किस तरह से ये काम करती हैं, किन किन सब्जेक्ट्स पे ये काम करती हैं, किस तरह का कंपोजिशन है इनके अंदर, वो भी देखने को हमें मिलेगा। अगला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था उस दौरान ही इनको फॉर्म कर दिया गया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, हमारे सामने आर्टिकल 76 के तहत हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री कहा जाता है इन्हें। साथ ही साथ आप देखते हैं आर्टिकल 148 के तहत हमारे पास एक पोस्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, फिर आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन, फिर आर्टिकल 315 से लेके 323 तक हमारे पास है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और साथ ही साथ इसी में, इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर हमारे पास आर्टिकल 324 में है इलेक्शन कमीशन, फिर 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उसके अलावा 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके अलावा 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह से ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। वहीं मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या फिर आप इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बोल सकते हो, इसके अंदर के अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए आप नीति आयोग, ये हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं या वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं किया गया है, या जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर नहीं बनाया गया था। ये बेसिकली पार्लियामेंट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करके, एक्ट्स पास करके बनाई जाती हैं। तो नीति आयोग एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, वो भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके अलावा हमारे पास है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम CBI बोलते हैं, फिर हमारे पास है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये कुछ हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और लास्ट टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी पॉलिटी में, वो है इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगर मैं बात करूँ 2021 तक की, तो हमारे पास करीबन 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ने, पर करीबन 20-25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ने होंगे। बेसिकली जानना क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर क्या है, वो किस ईयर में
आया था, और साथ ही साथ उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या दिया गया है, बेसिकली उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बारे में है। तो ये कुछ हमारे सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सो इफ यू लाइक द कॉन्टेंट देन डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट इट, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।